मंडल दिवस के अवसर पर शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जातीय जनगणना समेत अन्य मांगों को लेकर शहर के कर्पूरी चौक से कॉलेज चौक होते हुए बस स्टैंड तक विशाल प्रदर्शन किया गया। राजद के जिलाध्यक्ष जयकांत यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि 7 अगस्त 1990 को देश में जनता दल की सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में बीपी मंडल आयोजक की अनुशंसा को लागू किया गया था। जातीय जनगणना संवैधानिक अधिकार है जिसके माध्यम से ही सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर की जा सकती है, लेकिन वर्तमान सरकार किसी न किसी रूप में विखंडित करना चाहती है जो राजद बर्दाश्त नहीं करेगी। सिंहेश्वर विधानसभा विधायक चंद्रहास चौपाल ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के बड़े समर्थन प्रयास एवं योगदान से देश के बहुजन समाज को मुख्यधारा में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज लालू प्रसाद की देन है कि पिछड़े दलित एवं अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में समाज में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन यह केंद्र की सरकार इस बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर रही है। विनीता भारती ने कहा कि पूंजीपति व दमनकारियों की सरकार अब इस व्यवस्था को खत्म करने पर तुली है। यदि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाती है तो एससी एसटी ओबीसी एवं गरीब सवर्णों को समुचित लाभ नहीं मिलेगा। वहीं प्रदेश संयोजक संदीप कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार नहीं कराना चाहती। सरकार कहती है कि जातीय जनगणना कराने से समाज में तनाव बढ़ेगा, ऐसा गलत भड़काऊ बयान देकर आरक्षण को खत्म करना चाहती है। आरक्षण में बैकलॉग भरने की व्यवस्था लागू की जाए, इसके लिए सरकार को स्वयं पहल करनी होगी। यह व्यवस्था जब तक लागू नहीं होगी तब तक राजद सड़क के से सदन तक आंदोलन करेगी। देखिए यह रिपोर्ट। इसके अवसर पर पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय में जाति गणना पर जनगणना को लेकर के यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 7 दिसंबर 1990 को मंडल आयोग का कमीशन लागू किया गया था, लेकिन यह सरकार इसको लागू नहीं करना चाहती है। संविधान का यह विरोध करके इसको किसी न किसी तरह से तोड़ मोड़ करके बर्बाद करना चाहती है ये सरकार। यह जनगणना 1931 में हुई थी, जिस समय में हमारे ओबीसी की संख्या 52% थी। प्रत्येक 10 साल पर यह जनगणना होना है, लेकिन यह सरकार जातीय जनगणना एससी एसटी की कराती है, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं कराती है, क्योंकि यह ओबीसी की जो जनसंख्या है वह 10 साल के से काफी बढ़ गई है, और इसकी जनसंख्या के मुताबिक अभी 65% से ज्यादा इसकी जनसंख्या हो गई है। और जब तक इसकी जनगणना नहीं होगी, इसका वो सही जो आरक्षण दिया गया है, जो संविधान में जो प्रावधान किया गया है विशेष अधिकार दे करके इसके दलित पिछड़ा शोषित को जो आगे बढ़ाने का जो प्रावधान किया गया, उससे यह सरकार वंचित करना चाहती है। जयकांत यादव, जिला अध्यक्ष। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह के द्वारा मंडल कमीशन लागू किया गया था, जिसमें पिछड़ा अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मंडल कमीशन का सारी सुविधा दिया गया था, और वो अभी तक लागू नहीं किए हैं। जितने भी पॉइंट है उसमें और कटौती करते जा रहे हैं मोदी सरकार। हम लोग विधानसभा में एक इसमें नीतीश कुमार की पार्टी भी समर्थन दिए, और हम लोग एक साथ मिलकर जातीय जनगणना की मांग करते हैं, और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम लोग 50% है। गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली का गिनती होता है, तो फिर मनुष्य का क्यों नहीं गिनती होगा। हम लोग पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति के लोग 85% है, और इसको भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको गिनती करना चाहते हैं। हम लोग सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना के पक्ष में मांग किए हैं, और सदन में एक भी आदमी विरोध में एक भी मान्य सदस्य नहीं है, तो हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं। इसी के विरोध में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, सारे प्रखंड से लेकर पंचायत तक के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता ने सड़क से लेकर सदन तक भारत सरकार के खिलाफ में संघर्ष करते हुए जिला मुख्यालय में ज्ञापन देके और भारत सरकार से मांग करते हैं कि जातीय जनगणना हो। देखिए, आज कड़ी धूप में इतनी बड़ी संख्या में हम लोग पहुंचे हैं। राजद के तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो बड़े हो या जमीनी जुड़े हुए कार्यकर्ता, सभी इस धूप में आज खड़े हुए हैं। हम लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। जातीय जनगणना बहुत ही आवश्यक है, तभी तो हम समझ सकेंगे कि समाज में कितने दलित और गरीब गुरबा लाभ से वंचित है, उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए। आज हम लोग
तो गरीबे के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने सदा सदन में आवाज उठाई और विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी उनको लेकर सड़क से सदन तक अपनी आवाज रखने का काम किया है। हम लोग की मांग है कि हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उनके साथ हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग को मिल नहीं जाती है। क्या नाम है? विनीता भारती, राजद नेत्री। हम लोगों का मुख्य मांग आदरणीय नेता तेजस्वी यादव का आह्वान, उस पे पूरे बिहार में राजद के कार्यकर्ता आज सड़क पे हैं, जातीय जनगणना लागू करो। आपने देखा होगा नीट में जो ओबीसी आरक्षण हटाया गया था उसको लेकर तेजस्वी जी ने जो अपने बात रखी जोर शोर से, उसको मांग पूरा किया गया। अभी हम लोग पूरे बिहार में सड़क से लेकर सदन तक जाति जनगणना लागू करो। जाति आधारित देखते होंगे कि कुत्ता बैल बकरी सबका घोड़ा सबका गन्ना होता है, लेकिन मनुष्य हम किस कौन आदमी किस जाति से हैं, उसका गन्ना होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। सब आदमी का मांग है जाति जनगणना लागू होनी चाहिए। क्या नाम है? संदीप यादव, प्रदेश संयोजक, बिहार सब प्रदेश महासचिव, युवा राजद।